डेढ़ किलो चिकन ले लिया और एक चम्मच नमक और आधी प्याली दही। अब एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये डाल के इसे मिला लेंगे, सही से मिक्स कर देंगे। इसे नींबू ले लिया, एक नींबू भी डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे सही से। चिकन धो के साफ कर लिएगा। ये साबुत धनिया है, इसे भून लेंगे। लाल मिर्च डाल देंगे साबुत, हल्का हल्का गरम कर लेंगे, इसमें खुशबू आने लगे। अदरक है, लहसुन है, काजू भी भून लिया हमने इसमें, ये सब पीस लेंगे। सूखा पीसना है इसे, पीस गया ये मसाला। तीन गोलची तेल ले लेंगे, इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, प्याज ब्राउन कर लेंगे। दो प्याज ले ली थी, कट कर ली थी उन्हें बारीक। ब्राउन हो गई है प्याज, इसे निकाल लेंगे, ठंडा करके इसे ही पीस लेंगे मोटा मोटा। गोश्त डाल देंगे अब इसमें, जो हमने मिक्स करा था सब मसाले से, इसे भून लेंगे। ये हरी मिर्च ली थी हमने चार और दही लिया था एक बाउल पीस के, ये भी मिला दिया। ये मखाने डाल देंगे, प्याज पीसी थी वो भी डाल दी। नमक और डाला एक चम्मच, पानी डाल दिया थोड़ा सा, इसे भून लेंगे। दूध डाल दिया एक प्याली, गरम मसाला डाल दिया एक चम्मच, क्रीम डाल देंगे आधा बाउल, देसी घी डाल दिया हमने चार चम्मच। तैयार हो गया हमारा मलाई कोरमा। हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से, नांद बनाए हमने इसके लिए। देखनी पड़ेगी।